डियर स्टूडेंट्स, 10 नए टॉपिक्स आज फिर आ चुके हैं। क्या हाल है आपका? आप कह रहे हैं कि आप पीछे के भूलते जा रहे हैं, कैसे चलेगा ये सब? पीछे का जो आप भूलते जा रहे हैं उसका कारण ये है कि आपने रिवीजन वर्क्स में ढिलाई बरती है। पिछले 2-3 टॉपिक्स को आपके 10 टॉपिक्स के साथ रिवाइज भी करना है, नहीं तो आप आगे पढ़ते जाएंगे पीछे के भूलते चले जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रूटीन में अभी भी टाइम है तो आप रिवीजन वर्क्स को अगर जारी रखेंगे साथ साथ तो फिर बात बनेगी। चलिए आज देखते हैं कि 10 टॉपिक्स में क्या है और इसमें क्या कुछ नया है। दरअसल आज का पहला टॉपिक चोल साम्राज्य से है। कल हम लोगों ने पल्लव किया और चालुक्य, आज आपको चोल साम्राज्य दिया जा रहा है। चोला डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, दक्षिण में पल्लव और चोल, इन दोनों को आपको ग्रिप बनाकर रखना है। इन दोनों से बहुत संभावना है कि प्रश्न दो, 1 से 2 प्रश्न बन जाते हैं। एक तो डेफिनेट बन जाता है इन दोनों से, तो इसे आप ज़रूर ध्यान देकर करें। चोल में आप इसके संस्थापक विजयालय के साथ साथ राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, ये दो बड़े महत्वपूर्ण रूलर हैं, इनका डिटेल्स लें। साथ ही इस वक्त दो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, चोल काल की दो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। एक, इसका लोकल गवर्नमेंट, इस काल, इस समय चोल काल में स्थानीय शासन इनकी बहुत बड़ी विशेषता है, तो आपको लोकल गवर्नमेंट इसे समझना है। साथ ही चोल काल में सांस्कृतिक उपलब्धियां पुनः पल्लव की तरह बहुत देखने को मिलती हैं। तो इस समय के जो कुछ मंदिर हैं, वृद्धेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुर मंदिर, ये सब डिटेल्स आपको लेना है। इनके प्रवेश द्वार को क्या कहते थे, गोपुरम क्या है, मंडप क्या है, शिखर क्या है, ये सब आपको समझना है। और इनके सैनिक अभियान 1-2 जो हुए महत्वपूर्ण, उसे भी समझना है। तो चोल काल आप करेंगे। नेक्स्ट आइए, सैयद वंश और लोधी वंश। आज मेडाइवल इंडिया में सैयद और लोधी वंश हम लोग करेंगे। मतलब ये कि गुलाम वंश हो गया, खिलजी हो गया, तुगलक हो गया, अब ये 5 वंश टोटल हैं। ये जो दो छोटे छोटे वंश हैं, डायनेस्टीज, जिसमें सैयद और लोधी, सैयद में बहुत कुछ नहीं है, बस आधे पेज का है। सैयद में सिर्फ आपके इसके संस्थापक और इसका 1-2 इवेंट है। साथ में लोधी वंश इंपॉर्टेंट है। ये लोधी में सिकंदर लोधी, जिसने आगरा की स्थापना की थी 1504 में, तो सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाबर के साथ युद्ध हुआ था, पानीपत का फर्स्ट जो बैटल था वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था 1526 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, लोधी वंश आप करें, कंप्लीट हो जाएगा सल्तनत काल। एक शासन हम लोग कर लेंगे इसके कुछ प्रॉपर्टीज को, तो पूरा आपका मिडाइवल में आधा पार्ट जो है दिल्ली सल्तनत वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर पेजेस नंबर दिए जा रहे हैं, इसे आप देख कर करके प्रयास करें इसे कवर करने का, छोटा टॉपिक है। ज्योग्राफी में आज हम लोगों ने वायुताप और पवन, यानी एयर प्रेशर के बेल्ट्स और विंड्स को इसमें समझना है। किस तरह से सूर्य और पृथ्वी घूर्णन के कंबाइंड इफेक्ट से एयर प्रेशर के बेल्ट्स क्रिएट होते हैं, अलग अलग लैटिट्यूड पर, अक्षांशों पर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ये बेल्ट को हमें समझना है। साथ ही स्थानीय पवन, लोकल विंड्स को इसमें आपको समझना होगा। चिनुक कई बार एग्जाम में आ चुका है, कहाँ का स्थानीय पवन है, अमेरिका में चिनुक नाम का स्थानीय पवन चलता है, ब्रिक फिल्डर, खामचीन, बोरा, तो ये सब इसमें लोकल विंड समझना है। लेकिन वायुदाब में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दो आपको समझना है वो है फेरेल का नियम और कोरियोलिस बल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। चौथा है प्राकृतिक वनस्पति, जो भारतीय भूगोल है उसमें हम लोगों ने आज नेचुरल वेजिटेशन लिया है, यानी मोटे तौर पर कहें तो भारत में जंगलों का विस्तार किस तरह से अलग अलग जगहों पर है, तो इसमें किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और किस किस हाइट पर ये मिलते हैं और उनका नाम क्या है, तो इसे समझना है। पाँचवा क्वेश्चन है सरल आवर्त गति। साइंस में आज हम लोगों ने फिजिक्स का सिंपल हार्मोनिक मोशन लिया है। सरल आवर्त गति यानी कि घड़ी का पेंडुलम जिस तरह से एक खास एम्पलीट्यूड पे अप एंड डाउन करता है, इस तरह के मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, तो आपको समझना है। झूले में झूलना, जो झूलते हैं बच्चे या कोई भी, जब झूले में आप मूव करते हैं तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन क्रिएट होता है, तो इसे समझना है। इसका एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि टी इज प्रोपोर्शनल टू 2π रूट अंडर एल बाय जी। इसमें तो 2π और जी कॉन्स्टेंट है, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल, यानी टाइम पीरियड किस तरह से लंबाई के समानुपाती है उसके स्क्वायर के, स्क्वायर रूट के, इसे आपको समझना है। ये एग्जाम में आता है क्योंकि लंबाई बढ़ जाएगा पेंडुलम का, घड़ी का,
तो किस तरह से घड़ी सुस्त हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी, इसे आपको सरल आवर्त गति में समझना है। छोटा टॉपिक है, छठा आ जाइए अध्याय वर्णी तंत्र। हम लोग एक सिस्टम कर रहे हैं, बहुत सारे शरीर में मोटे तौर पर 11 अलग अलग सिस्टम्स हैं, तो हम लोगों ने बहुत सारे सिस्टम्स किए हैं, उसमें आज हम लोग इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, ये अध्याय वर्णी मोटे तौर पर कहें तो इसमें जो हमारा स्किन है उसे पढ़ना है, जो हमारा चमड़ा शरीर का है, स्किन है, उसके अलग अलग लेयर्स, डर्मिस, एपिडर्मिस, ये सब आपको इसमें समझना है। ये लूसेंट में बस दो लाइन में दिया हुआ है, यूनिक में भी दो लाइन में दिया हुआ है, लेकिन क्रॉन में अच्छा दिया हुआ है, आप इसमें क्रॉन वाले जो हैं वो इसमें अच्छे से समझेंगे, बाकी दो में इसमें अच्छा से नहीं दिया हुआ है, तो आप इसे स्किन टाइप कर करके नेट से पढ़ने का प्रयास करें। सातवां देखिए पॉलिटी का है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत छोटा बिल्कुल एक पेज का टॉपिक है, लेकिन इसमें आपको समझना है कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, इन्हें हटाया कैसे जाता है, साथ ही इनका कार्य क्या है, ये सब आपको, इनका जो रिटायरमेंट एज है वो क्या है, ये सब आपको समझना है। बजट आज हमने इकोनॉमी में आठवां टॉपिक लिया है। बजट तो आपके बुक में ठीक ठाक नहीं दिया हुआ है, पुराने पैटर्न पे है, डेटा बहुत ओल्ड है, तो इसे आपको दरअसल किसी दृष्टि में जो करंट है वो बड़ा अच्छा दिया हुआ है, साथ ही किसी करंट मैगजीन से आप इसे अगर पढ़ने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा होगा। तो बजट आप या तो नेट से पढ़ लें, तो बजट को आपको लेकिन समझना होगा किस तरह से बजट का निर्माण होता है, बजट कब पेश होता है, बजट में क्या बातें होती है, पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ जाता है, ये सब समझना है। आज का नया टॉपिक हमने लिया है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमने आज सस्टेन किया है, कल हम लोगों ने इसे लिया था, इसे आज भी हमने रखा है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कई सारे फैक्ट्स हैं जिसे हमें जानना चाहिए, तो एक दिन और इसमें आप टाइम दें। इसमें रैम, रोम, दूसरा है कि बाइनरी सिस्टम को भी समझने का प्रयास करें, 0-1 पर पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये हमें समझना है। नेक्स्ट टॉपिक है चंपारण मूवमेंट, आज फिर इससे हमने कंटिन्यू किया है, चूँकि चंपारण मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर इससे प्रश्न दिखाई देते हैं, तो आज हमने फिर इसे कंटिन्यू किया। क्रॉन में ये बहुत अच्छा दिया हुआ है, चार पेज में है, बहुत सारे फैक्ट्स इसमें हैं, आप इसे पढ़ने का एक बार और प्रयास करें, चूँकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारा चंपारण के बाद डेज हम लोगों ने लिया है। देखिए आज हमने जीके में एक नया सेक्शन ऐड किया है, हर 12 महीनों के डेज हमें याद करने होंगे, एग्जाम्स में ये दिखाई देते हैं। तो जनवरी करना है इसे हम लोग, इसमें तो इसमें क्या क्या याद करना है कि वर्ल्ड हिंदी दिवस कब मनाते हैं, हमारा प्रवासी भारतीय दिवस कब आता है, तो ये सब आपको सारे डेज इसमें हैं। आपके पास जो भी बुक है दूसरे बुक से भी सप्लीमेंट्री, कुछ एक दो छूटे तो उसे आप मिल लेकर कंप्लीट करें। 12वां टॉपिक प्रतियोगिता दर्पण है, एज यूजुअल मार्च 2018 का चल रहा है, इस बार नवीनतम पाठ करना है, पहले राष्ट्रीय होता है, फिर अंतर्राष्ट्रीय, उसके बाद आर्थिक, और तब नवीनतम आता है चौथा टॉपिक इसका, तो नवीनतम इसमें करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें सेक्शंस आए हैं, अगर ये मार्च का है तो इसका मतलब है कि इसमें कंटेंट जनवरी का मिलेगा, तो जनवरी से हम लोग कर मान के चलें कि हमें जानकारी रखनी चाहिए कौन कौन से अवार्ड्स हुए हैं। देखिए इसरो के अध्यक्ष आए KC1, वो इसमें है, अवार्ड्स जो नेशनल अवार्ड्स दिए गए वो यहाँ पर हैं, तो इसमें दर्पण से भी हमें करना है। आज का ये 10 टॉपिक्स यहीं तक रहेगा, रात 11 बजे एक सेट भी आपको आएगा, उसे भी आप बनाएं, तब तक आपसे इजाज़त लेंगे, अपना ध्यान रखें, हम इजाज़त दें, टेक केयर।